ऑफिस प्रणाली अच्छी प्रणाली है, ये खराब नहीं है, लेकिन इसको एक्चुअली पूरी तरह से एक साथ लागू करना चाहिए। अब देखिए, अगर प्रदेश अगर नहीं जुड़ेगा तो प्रदेश से तो फाइल आएगी हार्ड कॉपी में, फिर आपको वही दिक्कत आएगी यहाँ पे। दूसरे जो इसका जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सरकारी कामों में, कि जो लीगल है, कोर्ट है, वह इसको नहीं मानता है, उसको हार्ड कॉपी चाहिए और दस्तखत की हुई हार्ड कॉपी चाहिए, वो प्रिंट आउट रिसीव नहीं करता है कोर्ट। एक समस्या इसमें ये आएगी। दूसरी जो है समस्या ये कि इसका अगर आपने बैक ऑफिस इसका ठीक नहीं रखा, सर्वर बढ़िया नहीं रखा, तो हैकिंग की प्रॉब्लम आएगी। अभी आपने देखा होगा, सुना होगा कि एक वायरस आ गया था जो सबके लिए समस्या बन गई थी कंप्यूटर्स में। तो एक तो आपको इसका बैक सर्वर बहुत अच्छा रखना पड़ेगा, बैक ऑफिस बहुत अच्छा रखना पड़ेगा, जिससे कि आपकी कोई चीज बिगड़ने ना पाए, वरना सारे के सारे अगर वायरस घुस गया तो पिछले सारे आदेश जो है वो समाप्त हो जाएंगे। तीसरी चीज जो इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की एक अच्छी खासी मात्रा लेनी पड़ेगी, और दूसरे जो आपके वर्कर हैं सबको ट्रेनिंग दिलानी पड़ेगी। इसमें एक खर्चे का इन्वॉल्वमेंट है, जो जिस तरह से ये 57 करोड़ बता रहे हैं, ये 57 करोड़ नहीं, कई सौ करोड़ का खर्चा है, और सर्वर की बहुत लाइसेंस की फीस बड़ी लंबी होती है। तो इन सब चीजों को देखते हुए सरकार के पास पैसा हो तब इसमें घुसे, और नहीं तो ये तो ऑफिस एक सजाने वाला हो गया कि हमारे 10 डिपार्टमेंट हो गए, सचिवालय के लोग एक दूसरे से बात कर लेंगे और उससे काम हो जाएगा। दूसरे आप देखिए, बिजली की समस्या को आपको इसमें पूरा करना पड़ेगा। बैंकों में आप जाइए, नेशनल बैंक में आप जाइए, आज आप वो कह दे कि सर्वर डाउन है। अब हमने अभी आज ही भेजा बिजली का बिल लेने के लिए, आदमी ने बता दिया कि सर्वर डाउन है। तो इन सब चीजों पर आपको सब देखना पड़ेगा, तब जाके आप सही तरीके से काम कर पाएंगे, वरना 10 से 5 में अगर सर्वर डाउन है तो आप भी काम ही नहीं कर सकते।